तो दोस्तों वो रहा हमारा सन टेम्पल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम जाने वाले हैं मोढेरा सन टेम्पल, जो कि गुजरात में आया हुआ है मोढेरा सन टेम्पल, और हम जा रहे हैं कुछ ये अहमदाबाद से, जो कि 100 किलोमीटर्स दूर है। सो चलिए चलते हैं सन टेम्पल मोढेरा और आपको वहाँ जाके हम पूरी डिटेल देते हैं। सो चलिए जर्नी शुरू करते हैं। सो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं सन टेम्पल मोढेरा, जो कि कुछ इस तरह से हमने गाड़ी पार्क कर दी है वहाँ पर। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कुछ पार्किंग का जो चार्ज है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हो, टू व्हीलर का है कुछ 10 रुपीज़ और कार का है 20, बस का है 30। इस तरह से आप इन फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, टू व्हीलर की, कार की और बस की पार्किंग की फैसिलिटी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। और इस तरह से ये जो पार्किंग प्लेस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी कार यहाँ पे इस तरह से पार्क है, जो कि बहुत ही सेफ़ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गार्ड्स भी हैं। और उसके बाद यहाँ पे टू व्हीलर्स कुछ इस तरह से पार्किंग की गई है, जैसे कि अपने ने हमारी टू व्हीलर कुछ वहाँ पर पार्क है। और टिकट टू व्हीलर का 10 रुपीज़ यहाँ नॉर्मल जो गार्ड है वो ले लेते हैं। और उसके बाद ये टिकट विंडो है वो ये है, तो यहाँ से हमें कुछ टिकट्स लेनी है। देखते हैं टिकट्स का फेयर क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो फाइनली हमने टिकट ले ली है, जो कि टिकट कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से टिकट है। और अब हम चलते हैं अंदर की ओर। जो टिकट विंडो यहाँ पे है, और कुछ 25 की पर पर्सन टिकट है, और कुछ यहाँ से इस तरह से एंट्री है यहाँ पे। ये गेट से एंट्री लेने के बाद कुछ इस तरह से आपको व्यू दिखेगा। यहाँ से जाना है आपको सूर्य टेंपल के अंदर। और यहाँ पे आते ही कुछ इस तरह से पानी पीने के लिए है, जो कि डिस्पेंसर लगे हुए हैं पानी पीने के लिए। ओके दोस्तों, सो फाइनली हम कुछ इस तरह से मोढेरा सन टेम्पल पे पहुंच गए हैं। और हम यहाँ किस तरह से आए मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। हम अहमदाबाद से निकले थे, जो कि अहमदाबाद से सन टेम्पल मोढेरा कुछ 100 किलोमीटर्स पड़ता है। और यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें, तो आप पर्सनल व्हीकल से आ सकते हो, अपनी खुद की कार से आ सकते हो, और उसके बाद आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी से आ सकते हो इस तरह से। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आप आ सकते हो। ये कुछ सन टेम्पल के एंट्री लेने के बाद सीधा आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे जो पहला है टेम्पल, इस तरह से आपको कुछ देखने को व्यू मिलेगा। हम यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं। कुछ इस तरह से ये मेन जो मंदिर है सन टेम्पल, ये कुछ इस तरह से है सामने से। और इसके ठीक सामने अगर हम देखेंगे, तो इस तरह से ये चारों तरफ इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, थां बैठ मतलब छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, और छोटी छोटी मूर्तियाँ भी हैं जैसा कि हमने देखा। इस सारी सीढ़ियों में इस तरह से आपको छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे, और वहाँ पर इस तरह से मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये अभी फिलहाल।
इस तरह से सारे मंदिर में छोटी छोटी इस तरह से मूर्तियाँ लगी बनी हुई हैं, आप जैसा देख रहे हो। ये कौन से मतलब किन भगवान के वो मुझे आइडिया नहीं है, बट इस तरह से सब मंदिर में पूरे पूरी तरह से मतलब जितना भी ये जिस तरह से पूरा आप देख रहे हो पूरा पूरे राउंड में इस तरह से जितने भी आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे मंदिर, तो कुछ इस तरह से जैसे कि ये देख रहे हो यहाँ पे भी ये मंदिर है ये, और यहाँ पे ये मूर्ति बनी हुई है। तो इस तरह से पूरे में पूरे राउंड सर्कल में आपको छोटे छोटे मंदिर देखने मिलेंगे और उनके अंदर मूर्तियाँ देखने को आपको मिलेगी। और यहाँ पे जो इसका चार्जेस है वो कुछ 25 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फीस है, और कैमरा अलाउड है। हाँ, ट्राईपॉड बिना, आप ट्राईपॉड यूज़ नहीं कर सकते हो, बाकी कैमरा फुल अलाउड है, उसका कोई चार्ज नहीं। सो अब हम ये नीचे की जगह से हम ऊपर जा रहे हैं, जो सन टेम्पल है जो मेन, वहाँ पे हम चल रहे हैं और वहाँ जाना है हमें, जो कि बहुत ही पास में ही है। और ये कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते इस तरह से आपका मेन जो सन टेम्पल है वो इस तरह से कुछ आ जाएगा। और इस तरह से कुछ अंदर का आपको सन टेम्पल का व्यू देखने मिलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी अभी प्री वेडिंग सूट या कोई कर का सूट चल रहा है, जो कि मुझे पता नहीं कौन सा सूट चल रहा है, बट इस तरह से कुछ और ये फर्स्ट के बाद वो जो सेकंड टेंपल है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसमें हम अभी देखते हैं अंदर जाके कि अंदर से कैसा है ये, जो कि अंदर बहुत अंधेरा है वैसे तो, क्योंकि ये बंद है शायद, और अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है। कुछ ये सेकंड था और वो पहला था जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ सूट चल रहा है उनका। सो एक कुछ इस तरह से ये एक ये है और दूसरा, और इसके पीछे एक वो जो तीसरा वहाँ पे, हम वहाँ पे भी जाएंगे, जो कि ये कुछ इस तरह से दिखता है। और बहुत ही पुराना एशियंट क्या कह सकते हैं कि बहुत ही पुराना आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें डिज़ाइन की गई हैं, जो कि हर एक मतलब आप देख पाओगे पास से, जैसा कि मैं आपको करीब ले जा रहा हूँ। और इसमें आप देख पाओगे कि कहीं पे भी जो जोड़ किया गया है, जो जोड़ लगाए गए हैं, वहाँ पे सीमेंट का कोई भी और चूना वगैरह का कोई भी यूज़ नहीं किया गया है। सारी ये जो मतलब हैंड से, ऐसा पता नहीं किस तरह से इन्होंने किया है, बट बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने इस तरह से इसकी निकासी कह लो, निकासी कह सकते हैं कि निकासी की गई है, बहुत ही सुपर हिट व्यूज है। ये दोस्तों कुछ पीछे के भाग का है, जो दूसरा जो मंदिर, जो दो टेंपल हैं बड़े बड़े, उसके जो सेकंड टेंपल है उसके पीछे का ये भाग है, और उसके बाजू में, उसके बाजू में इस तरह से कुछ गार्डन्स हैं, मतलब इस तरह से पेड़ लगे हुए हैं। और अब हम आगे चलते हैं। ये पीछे की भाग से कुछ इस तरह से आपको दो बड़े बड़े जो सूर्य टेम्पल हैं, काफ़ी बहुत ही पुरानी तरह से मतलब बहुत ही सही इसमें काम किया गया है। मेरे तो सोच से भी बाहर है कि किस तरह से इसमें मतलब ये काम किया गया होगा। आप जैसा देख पा रहे हो दोस्तों, बहुत ही
कि इस तरह से इसमें मूर्तियाँ मतलब छोटे छोटे लोग बने हुए हैं, मतलब बच्चे हैं कौन है मुझे पता नहीं, बट बहुत ही क्यूट क्यूट ऐसे डिज़ाइंस बनी गई हैं। जैसा मैं अभी डिजूम करता हूँ आपको, देखिए इतनी क्यूट क्यूट सी अच्छी अच्छी डिज़ाइनें बनी गई हैं, पता नहीं कैसे बनाया गया होगा पहले। इस तरह से दो हैं, एक वो और एक ये। और यहाँ पे अभी ऑलरेडी कुछ सूट चल रहा है किसी का। और इस तरह से एक छोटा सा मंदिर है कोई भगवान का, यहाँ से कुछ इस तरह से दिखता है। आप जैसे ही एंट्री लोगे तो आप वहाँ से एंट्री लोगे और वहाँ से वहाँ सीधा आओगे, और उसके बाद वहाँ आने के बाद ये आपको ये प्लेस ये जगह देखने को मिलेगी, और उसके बाद आप यहाँ से चढ़ते हुए सीधा आपको ये प्लेस देखने मिलेगा। और इसके बाद इसके जस्ट पीछे एक दूसरा ही है, और इस तरह से पास में एक और मंदिर। ये गार्डन है ठीक इसी मंदिर के सामने, जो सूर्य टेंपल जो इस तरह से आप देख पा रहे हो, जैसे कि ये सामने अपना जो सन टेंपल, सूर्य टेंपल कह लो या सन टेंपल कह लो, भाई भाई ये दोनों। हाँ, और जैसे कि देखो ये फर्स्ट था, उसके पीछे एक है, बस इतना ही है। और इस तरह से ये मेन जो है वो मेन जो है जैसे कि वो इतना ही है। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ काफ़ी लोग फोटोग्राफी ही कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत ही सही लोकेशन है। और इस तरह से यहाँ पर ये गार्डन बना रखा है उसके जस्ट सामने, कि आप यहाँ पे बैठकर शाम के अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाते हुए, नाश्ता करते हुए खूबसूरत सा हिस्टोरिकल प्लेस का आनंद उठा सकते हो, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हो सामने। वहाँ पे घूम के आए वो सन टेंपल, और ये जो नीचे जो पानी का कुंड बना हुआ है, वहाँ पे जो छोटे छोटे मंदिर, ये हमने देख लिया है। इसके जस्ट सामने हम ये जो गार्डन था इसको भी एक्सप्लोर कर लिया है वहाँ पे बैठ के, जैसा कि हमने ब्रेकफास्ट किया था। और तो दोस्तों इसी के साथ कुछ सन टेंपल का जो हमारा टूर होता है, जो जर्नी होती है, वो समाप्त होती है। सो अब मिलेंगे हम कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट्स हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपको ज़रूर इसमें रिप्लाई दूँगा। थैंक यू।